नक्सलियों का संगठन कमजोर पड़ता जा रहा है। फोर्स की हिटलिस्ट में 25 करोड़ के टॉप मोस्ट नक्सली हैं। अब तक 135 दिनों में 120 से ज्यादा नक्सलियों को फोर्स ने मार गिराया है, लेकिन अबूझमाड़ इलाके में अब भी 1-1 करोड़ के नक्सली मौजूद हैं। अब सुरक्षा बलों ने सेंट्रल कमेटी और पुलिस ब्यूरो के लीडर्स को टारगेट करने की रणनीति बनाई है। तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की संयुक्त टीम जल्द ही अबूझमाड़ इलाके को घेरेगी। बस्तर आईजी ने दावा किया है कि अब नक्सली संगठन के बड़े लीडर या तो सरेंडर करें या अंजाम भुगतने को तैयार रहें। ये सब लगभग 14 या 15 जो सेंट्रल कमेटी या पोलिट ब्यूरो मेंबर अभी एक्टिव रह गए, बाकी जैसा रमन्ना आरके और जैसा हरिभूषण, खड़कम सुदर्शन, दीपक तेल तुमड़े, इस प्रकार का जो टॉप सेंट्रल कमेटी मेंबर्स विगत वर्षों में विभिन्न प्रकार का जो मुठभेड़ में या बीमारी कारण से उनका मृत्यु हुआ, और इसके पश्चात विशेष जो 14 से लेकर 15 तक जो सेंट्रल कमेटी या पोलिट ब्यूरो मेंबर अलग अलग क्षेत्र में अभी सक्रिय, लेकिन उनका भी कई लोगों की उम्र हो चुकी है और जैसे पूर्व जैसे इतना सक्रियता नहीं दिखाई दे रहा है, और जिस तरीके से सुरक्षा बल भी लगातार चारों तरफ से उनका घेराबंदी कर उनका सप्लाई नेटवर्क को तोड़ा जा रहा है, उनका मूवमेंट के कॉरिडोर को प्रतिबंध की जा रही है, इस प्रकार उनके खिलाफ काफ़ी एक प्रभावी रूप से हम कार्रवाई कर रहे हैं और आने वाला बहुत जल्दी इन सबका भी खात्मा होने का पूर्ण संभावना है।